हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है गाइस। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फोर चैनल कार एम्पलीफायर को ट्यून कैसे करेंगे। और इसके लिए आपको गाइस चाहिए होगा अपना एक एम्पलीफायर और एक स्क्रू ड्राइवर गाइस। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे हम इसको ट्यून। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ वो है कि आप अपने जो स्टीरियो है, हेड यूनिट है, उसके अंदर जाके आप अपने सारे इक्वलाइजर्स को इक्वलाइज स्टेबल कर दें। ओके गाइस, नहीं कि देखिए ये हमारे जो हैं ट्यूनिंग करने के डायल्स होते हैं। ये लेवल कई एम्पलीफायर्स में इसको जो है गेन के नाम से भी लिखा होता है, तो हम इनको कर देंगे ज़ीरो। गेन को एकदम नेगेटिव कर दिया। अभी मेरा एम्पलीफायर उल्टा निकाला हुआ है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा गाइस अपने एम्पलीफायर में। ये हो गए सारे गेन्स हमारे ज़ीरो। बेस इक्वलाइजर को भी हम रखेंगे ज़ीरो पे ही। ठीक है गाइस, उसके बाद हम प्ले करेंगे अब एक गाना। सो गाइस, मैं अब गाना प्ले करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप जब भी अपना एम्पलीफायर ट्यून करें तो अपने जो स्टीरियो की वॉल्यूम है, जैसे मेरे स्टीरियो की मैक्स वॉल्यूम जाती है, एक से मैं गाना पहले पॉज कर देता हूँ गाइस। हाँ, सो जो अपनी मैक्स वॉल्यूम जैसे मेरे स्टीरियो की यहाँ जाती है 30 पे, तो हमारा जो ये हेड यूनिट है, ये एक चाइनीज़ हेड यूनिट है हाइपरसोनिक का, एंड्रॉयड ऐसे हेड यूनिट्स, और जो हमारे स्टॉक होते हैं वो जो हैं डिस्टॉर्ट कर जाते हैं अपने 80% की 80% वॉल्यूम के बाद जनरली गाइस। सो गाइस, मैं प्रेफर करूँगा कि जैसे मेरे 30 का 20% हो गया 6, तो हम इसमें से 6 माइनस कर देंगे, यानी कि 13 का 80% जो कि 24 है, हम 24 पे जो है अपने एम्पलीफायर के पीक सेट करेंगे। ओके गाइस, सो गाइस, अब जैसे कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं गाना प्ले करूँगा क्रेडल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके गाइस, सो मैं क्रेडल्स प्ले करने वाला हूँ क्योंकि एक NCS सॉन्ग है। अगर आप लोग बना अपने एम्प को ट्यून करें तो आप जैसे गाने सुनते हैं, जो आपके गाने प्रेफरेंस ये है, दो तीन गाने चुन के आप उनमें ट्यून करिएगा गाइस, उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस, अब मैं गाना कर चुका हूँ प्ले, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये हमारे होते हैं चैनल्स, जो हमारे चैनल देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ जी, ये लिखा हुआ चैनल 3 और 4, ये हो गए हमारे बैक के चैनल्स, और चैनल 1 और 2। 1 और 2 पे जो है मेरे कंपोनेंट्स रन कर रहे हैं, और जो बैक के चैनल्स हैं उन्हें ब्रिज करके मेरा वूफर ड्राइव हो रहा है, विच इज़ अ JBL 1200 वॉट बेस ट्यूब। सो गाइस, हम सबसे पहले जो हैं अपनी बेस ट्यूब को नहीं, हम अपने कंपोनेंट्स को सेट करेंगे गाइस, ताकि हमारे को एक ऑप्टिमम साउंड मिले। उसके बाद मैं अपने बेस ट्यूब का लेवल भी अप करूँगा गाइस। सो अब गाइस, आप देखिए और साउंड में डिफरेंस फील करिए। Take my eyes open to false reality. Why can't you just let me in my way to bleed? I'm inside my own world of make-believe. So guys, आप देख चुके हैं मैंने लेवल सेट कर दिए, जो कि आई गेस अराउंड 40% मैंने इसको रोटरी को घुमाया होगा। सो गाइस, इसके बाद हमारे सेटिंग आती है बेस EQ की। सो गाइस, मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको ना यूज़ करें, क्योंकि ये चाइनीज़ एम्प है, जैसे कि आप देख सकते हैं V12 का, तो इनमें जो बेस इक्वलाइज़र है, हम इसको यूज़ करने के बाद जो साउंड हमारी हो जाती है डिस्टॉर्ट। सो हम सीधा जाएंगे अगली सेटिंग, दैट इज़ द HPF सेटिंग। सो HPF LPF क्या होता है, मैं आपको एक बार ये समझाता हूँ। HPF जो हमारा होता है, हमारा हाई पास फिल्टर होता है गाइस, जो हमारी हायर फ्रीक्वेंसीज को ड्राइव करते हैं, जो कि हमारे मिड्स और ट्वीटर्स कवर करते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स अ कंपोनेंट। और जो LPF होता है, लो पास फिल्टर, वो हमारी सारी कम की फ्रीक्वेंसीज, देख सकते हैं 30 हर्ट्ज़ से 250 हर्ट्ज़ मैक्सिमम जा रहा है, और ये 60 हर्ट्ज़ से 12.5 के हर्ट्ज़ तक जा रहा है, किलो हर्ट्ज़ तक जा रहा है, जैसे हर्ट्ज़ तक, हाँ जी किलो हर्ट्ज़ तक जा रहा है। सो गाइस, यही जो है आपको दिखता है LPF और HPF में फ़र्क। एक तरीके से HPF जो है हमारे वोकल्स के लिए होता है, और LPF हमारी बेस के लिए होता है, इन अ लेमैन टर्म। सो अब मैं अपना HPF जो है आपको ऐसे सेट करना है कंपोनेंट्स का कि वो ना ज़्यादा श्रिल साउंड करें और ना उनमें ज़्यादा बेस है, क्योंकि बेस का काम हमारा वूफर भी करेगा गाइस।
spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. सो गाइस अब देख चुके हैं हमारी जो कंपोनेंट्स की साउंड है वो काफ़ी अच्छी बज रही है गाइस। तो इसी से अब जो है हम आते हैं अपनी अगली सेटिंग जो कि कंपोनेंट्स में ही LPF शो हो रही है, जिसको हमने ऑफ किया। भाई जो स्विच देख रहे हैं आप गाइस, इसमें आप देख सकते हैं फुल LPF और HPF। फुल में गाइस दोनों फ्रीक्वेंसीज प्ले होंगी और LPF में जो है वो वूफर का काम करने लग जाएं, जो कि हम नहीं चाहते कंपोनेंट से। गाइस आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये ट्राई करने के लिए, बट स्टिल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि अगर हम कंपोनेंट्स का LPF स्विच ऑन कर दे तो आवाज़ कैसी बन जाती है। ये लीजिए गाइस, मैं गाना प्ले कर देता हूं फिर से। अब आपको फर्क दिख चुका है कि LPF और HPF का क्या होता है, ठीक है गाइस। तो अब हम नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी वूफर की एडजस्टमेंट। बट उससे पहले एक बार अपने कंपोनेंट्स को आप 2-5 मिनट सुन लीजिए ताकि आप उनको कर सके फाइन ट्यून। सो गाइस अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग पे जो कि है हमारी वूफर की सेटिंग गाइस। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वूफर का स्विच जो है उसे LPF मोड पे कर देना है, जो कि है बीच में। इसमें जो गाइस फुल मोड लिखा हुआ है इसमें, उसमें LPF HPF मिक्स करके साउंड बजती है, बट उसमें जो है डिस्टॉर्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो आप प्रेफर कीजिए या तो आप HPF यूज़ करिए या LPF। आप वूफर को HPF में बजा सकते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको मुझे बतानी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये 2 मिनट में, ताकि मैं अपना वूफर ट्यून कर लूँ फिर। So guys, अब हम ट्यून करेंगे वूफर को। So guys, मैं वापस बेस वाला पार्ट प्ले करता हूँ इस गाने का। अपना वूफर भी कर दिया है ट्यून। सो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा जैसे चाइनीज एम्पलीफायर्स होते हैं, बेस ट्यूब्स होती हैं, अगर हम गेन को पूरा खोल दें, जैसे मैंने इसमें भी खोला हुआ है, तब भी ये बच जाएंगी और डिस्टॉर्ट भी नहीं करेंगी। पर गाइस इससे क्या होगा, आपका जो एम्पलीफायर है अराउंड 15-20 मिनट चलने के बाद ही ट्रिप करने लग जाएगा, जिसको हमें अवॉइड करना है। सो गाइस हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बंद कर देंगे, अबाउट 80% खोलेंगे, ताकि आपका वूफर भी ट्रिप ना करे ना आपका एम ट्रिप करे और आपका पूरा साउंड सिस्टम अच्छे से बच जाए। ओके गाइस, सो गाइस एक इन्फॉर्मेशन मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी बेस आ रही है गाइस, जिससे आपके घर वालों को दिक्कत हो सकती है, बट अगर अभी मैं वूफर के स्विच को LPF से HPF कर दूंगा तो देखिएगा डिफरेंस। I don't want
content. Hold your breath, feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is the only gate to hell. I want a deep consumption. If I turn to a destruction, you think you should save my life. So guys, आप समझ गए होंगे मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था कि HPF से हमारे जो बेस है वो कम हो जाएगी वूफर की, तो आपकी घर वालों को भी दिक्कत नहीं होने वाली उससे। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ, अगर हम HPF को ज़्यादा बढ़ा देंगे जैसे कि 1.2 किलो हर्ट्ज पे, तो जो हमारे स्पीकर्स की आवाज़ है वो बहुत श्रिल हो जाएगी और कानों में चुभेगी। बट अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कम कर देंगे 60 हर्ट्ज तक, तो फिर स्पीकर्स में बहुत बेस आएगी और वो डिस्टॉर्ट करेंगे। सो गाइस, जो आपका सबसे क्रूशियल पार्ट होता है ट्यून करना, वो आपका होता है कंपोनेंट्स के HPF को ट्यून करना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ कंपोनेंट्स के गेन भी उसी हिसाब से एडजस्ट होंगे, जितनी आप बेस ऐड करेंगे उतना आपको गेन कम करते रहना पड़ेगा, वरना स्पीकर्स कर जाएंगे डिस्टॉर्ट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इनका गेन ज़्यादा खोलूँ तो आवाज़ कैसी आएगी। मैं गाना प्ले करता हूँ गाइस, फिर से क्रेडल्स ही। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my way to glory? So guys, अभी आपने देखा होगा जैसे ही मैंने इसका HPF कम किया तो आवाज़ कितनी हमें डिस्टॉर्ट कर रही थी, तो अब हमें फिर से करना पड़ेगा इसको ट्यून। अगर एक बार आपने ट्यून कर लिया अपने एम्पलीफायर को, उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी ट्रेबल और बेस चेंज करनी तो आप यहाँ पे इक्वलाइजर से भी कर सकते हैं, जिसकी मुझे अभी नीड नहीं लग रही है, तो गाइज मैं नहीं करने वाला उसको। सो गाइज थैंक यू। सो गाइज कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरे चैनल से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, सो गाइज प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइज मैं हर मंडे ऐसी एक वीडियो लाता रहूँगा, so stay tuned guys, and also guys you can follow me on my Instagram for regular updates guys, that is thug_kingdom guys। so guys I'll go now, milte hain agle hafte, take care guys।